कभी कभी चुप रहना बुरी बात नहीं है। सभी जगह और समय बोलने योग्य नहीं रहते। आदमी की इज्जत खत्म होने के बाद वापस नहीं आती। जीवन दुनिया की संपत्ति है, जिसकी बाजुओं में दम ना हो उसके दिमाग में तो कुछ होना ही चाहिए। सवाल खुद कभी किसी के सामने नहीं आते। इस भीषण संसार में एक प्रेम करने वाले हृदय को दबा देना सबसे बड़ी हानि है। संसार में धोखा, बुराइयां और हत्याओं को देखकर कभी कभी मान ही लेना पड़ता है कि यह संसार ही नरक है। ऐसा जीवन तो विडंबना है जिसके लिए रात दिन लड़ना पड़े। संसार ही युद्ध क्षेत्र है, इसमें हार मान लेने से या हथियार डाल करके जीने से क्या लाभ। माफ कर देना ही केवल मनुष्य का अधिकार है, वह हमें जानवरों के पास नहीं मिलती। जो अपने कर्मों को ईश्वर का कर्म समझकर करता है वही ईश्वर का अवतार है। समय बदलने पर लोगों की आंखें भी बदल जाती हैं। अपने कुकर्मों का फल चखने में कड़वा परंतु परिणाम में मधुर होता है। आत्म सम्मान के लिए मर मिटना ही दिव्य जीवन है। असंभव कहकर किसी काम को करने से पहले कर्म क्षेत्र में कांप कर लड़खड़ाओ मत। आतंक का दमन करना प्रत्येक राजपुरुष का कर्म है। मनुष्य के मुंह में भी तो सांपों की तरह दो जीभ होते हैं। पढ़ाई सभी कामों में सुधार लाना सिखाती है। सेवा सबसे कठिन व्रत है। किसी के उजड़ने से ही कोई दूसरा बसता है। जो आज गुलाम है वही कल सुल्तान हो सकता है। सहनशील होना अच्छी बात है, पर अन्याय का विरोध करना उससे भी उत्तम है। जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि है प्रसन्नता। यह जिसने हासिल कर ली उसका जीवन सार्थक हो गया। पथिक प्रेम की राह अनोखी भूल भुलैया में चलने की तरह है। जब जिंदगी की कड़ी धूप में उसे घनी छांव की तरह पाकर मनुष्य आगे बढ़ता है तब पांव में कांटे ही कांटे चुभते हैं। संदेह के गर्त में गिरने से पहले विवेक का अवलंबन ले लो। मुझे विश्वास है कि दुराचारी सदाचार के जरिए शुद्ध हो सकता है। बाहुबल ही तो वीरों की आजीविका है। स्त्रियों का हृदय अभिलाषाओं का, संसार के सुखों का क्रीड़ा स्थल है। स्त्री जिससे प्रेम करती है उसी पर सर्वस्व वार देने को प्रस्तुत हो जाती है। हृदय का सम्मिलन ही तो विवाह है। मानव स्वभाव दुर्बलताओं का संकलन है। पुरुष क्रूरता है तो स्त्री करुणा है। उत्पीड़न की चिंगारी को अत्याचारी अपने ही अंचल में छिपाए रखता है। अन्य देश मनुष्यों की जन्मभूमि है, लेकिन भारत मानवता की जन्मभूमि है। पराधीनता से बढ़कर विडंबना और क्या है। राजसत्ता सुव्यवस्था से बढ़े तो बढ़ सकती है, केवल विचारों से नहीं। जिस वस्तु को मनुष्य दे नहीं सकता उसे ले लेने की स्पर्धा से बढ़कर दूसरा दंभ नहीं है। जागृत राष्ट्र में ही विलास और कलाओं का आदर होता है। भारत समस्त विश्व का और संपूर्ण वसुंधरा इसके प्रेम पाश में आबद्ध है। संपूर्ण संसार कर्मण्य वीरों की चित्रशाला है। कविता करना अत्यंत पुण्य का फल है। स्त्री की मंत्रणा बड़ी अनुकूल और उपयोगी होती है। अर्थ देकर विजय खरीदना देश की वीरता के प्रतिकूल है।
अत्याचार के शमशान में ही मंगल का, शिव का, सत्य सुंदर संगीत का शुभारंभ होता है। दो प्यार करने वाले हृदयों के बीच स्वर्गीय ज्योति का निवास होता है।